और दोस्तों क्राउड देख सकते हैं कुल्हड़ पिज्जा खाने के लिए क्या तगड़ा वाला लगा है, एकदम ट्रेंडिंग फूड है देवरिया का, खोल रहा है पूरा एकदम चीज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों का भाई लेके आ चुका है आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक स्ट्रीट स्टॉल। जी हाँ दोस्तों, आपका भाई जानते ही है आप लोग के लिए बहुत सारा यूनिक यूनिक देवरिया से कंटेंट लेकर आ रहा है, तो आज के ब्लॉग में भी हम कुछ यूनिक दिखाने वाले हैं जो कि अपने देवरिया में स्ट्रीट पर फर्स्ट टाइम शुरू हुआ है। बाकी हमारे साथ है कपूर भाई, हेलो बोल दीजिए। तो आइए आपको उस चीज़ दिखाते हैं, वैसे तो आप लोगों ने टाइटल थंबनेल पे देख लिया क्या चीज़ है वो, पहले हम आपको एड्रेस बता दें। तो अभी हमें देवरिया के दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पीछे वाले गेट पे देख सकते हैं, पीछे वाला गेट है और ठीक यहीं पे लग रहा है कुल्हड़ पिज्जे का स्टॉल। जी हाँ दोस्तों, अपने देवरिया में फर्स्ट टाइम स्ट्रीट पे कुल्हड़ पिज्जे का स्टॉल खुल चुका है। ये देखिए कुल्हड़ पिज्जा, काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रहा है इसको खाने के लिए, और ये देख सकते हैं कुल्हड़ पिज्जा, जैसे आप लोग आएंगे पीछे वाले गेट पर आपको दिख जाएगा मूड वाला फूड। बाकी बहुत सारे लोग ट्राई भी कर रहे हैं और आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे पिज्ज़ा बनते हुए कैसे बनता है, बाकी जो है टेस्ट भी करेंगे और प्राइस वगैरह सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों आइए आप लोग को कुल्हड़ पिज्ज़ा का पूरा मेकिंग दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है, बाकी यहाँ के ओनर से भी मिलवाते हैं। और ये देखिए पहले से ऑर्डर में लगा है जो रेडी हो रहा है। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया। तो हमें कुल्हड़ पिज्ज़ा का जो है प्रोसेस दिखाइए बनते हुए। ये देखिए कुल्हड़ वगैरह पूरा रखा हुआ है और आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। बोलते जाइए क्या क्या डालना। इसमें जाएगा कैप्सिकम, कैप्सिकम देन ऑनियन, ऑनियन देन पनीर, पनीर कॉर्न है क्या? कॉर्न किस कंपनी का है? ये आपका हिम ग्रीन का आता है। अच्छा, देवरिया में सबसे बढ़िया यही कंपनी आता है जी। स्टोर कोई कंपनी नहीं है, इसको बॉइल भी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, बॉइल रहता है पहले से? इतना इतना स्वीट रहता है। अच्छा, स्वीट रहता है। ये पिज्जा सॉस और ये जो है बेस के लिए जाता है गुड मॉर्निंग का ब्रेड। ये क्या है? ये सेजवान चटनी है। सेजवान चटनी, जो भी सामग्री है सब बढ़िया कंपनी का है। ये क्या है? तंदूर मेयो, तंदूर मेयोनीज। ये व्हाइट चीज है, व्हाइट चीज है, लिक्विड चीज है। अच्छा, चीज है लिक्विड चीज। डोमिनोज में जो चीज ब्रश पिज्जा बनता है, जी जी जी, इसी चीज का। अच्छा, डोमिनोज में इसी चीज, इसी से बनता है? हां, जो चीज ब्रश पिज्जा होता है ना, जी जी जी, चीज ब्रश, ये इसी से बनता है जी। तो भैया आपको ये आइडिया कैसे आया कुल्हड़ पिज्जा बनाने के लिए, वो भी स्ट्रीट पे अपने देवरिया में? पिज्जा मैं काफी टाइम से बना रहा था बट मेरे को यहाँ पे बिजली का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा था जी जी, जी। जिस कारण से पिज्जा का, पिज्जा मैं यहाँ नहीं बना पा रहा था, लेकिन कुल्हड़ पिज्जा क्या है कि वो भगवान में मैं स्टीम कर सकता हूँ। तो ये स्पेशल ओवन है, देसी ओवन, देख सकते हैं आप लोग, आपको दिखाते हैं। ये भगोने में अभी जो कुछ अंदर गया हुआ है, अभी ऑर्डर पे जो लगा था निकलता है, तो आपको दिखाते हैं अंदर का पूरा सिस्टम इनका। और यहाँ पे कोई भी आपको ओवन नहीं मिलेगा, ये है देसी स्टाइल ओवन जो कि भैया अपने दिमाग से बनाया है। अच्छा, केचप, ऑर्गेनो फ्लेक्स, आप अगर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको छोटे छोटे पैकेट में मिलेगा, वो भी पिज्जा चिल्ली फ्लेक्स। अब इसको अच्छे से मिक्स किया जाए। तो दोस्तों अपना जो है सारा सामग्री मिल चुका है, अब ये बेस जा रहा है जो कि गुड मॉर्निंग का ब्रेड है। तो दोस्तों अपना जो है पूरा सामग्री रेडी है, इधर कुल्हड़ निकाला जा रहा है, अब इस कुल्हड़ में इसको भरा जाएगा। ये देखिए कुल्हड़ में भरा जा रहा है, देखिए दोस्तों अपना ये पूरा पिज्जा रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या क्या डाला जाएगा? इसमें जितने भी चटनी मैंने उसमें डाला था उसके स्टफिंग रेडी करने में। अच्छा, स्टफिंग रिपीट होगा? अच्छा, सारा चटनी रिपीट होगा। फिर से डाला जा रहा है पिज्जा सामग्री, इसके ऊपर चीज जाएगा, इसके ऊपर चीज जाएगा। कौन सा वाला? मोजरेला चीज, मोजरेला। तो दोस्तों अब जा रहा है अपना मोजरेला चीज, ये देखिए मेहनत ही आ रही है पिज्जे का। ये देखिए मस्त भर भर के डाला जा रहा है, इसके बाद सीधे ओवन में जाएगा, इसके बाद इसमें भी ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स और ब्लैक ऑलिव जाएगा, उसके बाद ओवन में जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों अपना ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स जा चुका है, ये क्या है? ब्लैक ऑलिव। दोस्तों अपना जो है पिज्जा जा रहा है देसी ओवन के अंदर, ये देखिए इसमें क्या रखा, क्या ये नमक? नमक है, नमक में करेंगे। ये देखिए काला नमक, काला नमक कौन सा नमक है? ये नॉर्मल नमक जो मार्केट जो हम लोग खाते हैं, में रेत डाला जाता है जी जी जी, बट यहाँ पे रेत उतना अच्छे क्वालिटी का मिल नहीं पाया जी जी। तो कितने देर के लिए जाएगा ये?
ये अगर बहुत अच्छा से अगर पकाना हो तो 25 मिनट और नॉर्मल जस्ट पका के देना हो तो 20 मिनट। जी 20 मिनट 20 से 25 मिनट में बन जाता है, चीज मेल्ट हो जाएगा 10 से 15 मिनट में। जी बट एक्चुअल जो उसका खाने का जो टेस्ट चाहिए वो सोना सोना जो खुशबू जी 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 वो आपको 25 मिनट के बाद ही मिलेगा। जी ये देखिए पूरा एकदम जितना वेट करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। ये आटा लगा है क्या? आटा ये साइड में उसका एक लेयरिंग दिया उसके बाद ये वजन के लिए ऊपर से हीट रख लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुल्लर पिज्जा तो एकदम फेमस है और साथ में यहाँ का रोल भी फेमस है। कौन कौन सा रोल है भैया आपके पास? हमारे पास बटर पनीर रोल है, बटर पनीर चीज रोल है और नॉर्मल पनीर। अभी कौन सा रोल बनाने जा रहे हैं? अभी एक बटर पनीर चीज रोल बनाने जा रहे हैं और एक बटर पनीर रोल बनाने जा रहे हैं। और ये जो बेस है आप खुद ही तैयार करते हैं इसका? ये हम खुद तैयार करते हैं, इसमें आटा मैदा मिल्क पाउडर मिक्स रहता है। और अमूल बटर? अमूल हमारा रोल बटर से बनता है। अमूल बटर जी एक लोकल एक बटर एक नहीं एक है एक अमूल बटर पूरा एक रोटी में जाती है। अच्छा एक ठीक। तो दोस्तों अपना कुल्लर पिज्जा एकदम रेडी हो चुका है और भैया अब निकालने जा रहे हैं। तो इसका जो है ताप कम किया गया है, बहुत तेज लग रहा है इसका जो तापमान। हाँ लाल हो, ये देखिए ये निकल रहा है अपना कुल्हड़ पिज्जा। आय साहब ये देखिए खोल रहा है पूरा एकदम चीज। और दोस्तों क्राउड देख सकते हैं कुल्हड़ पिज्जा खाने के लिए क्या तगड़ा वाला लगा है। एकदम ट्रेंडिंग फूड है देवरिया का, दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पीछे आप लोग आ सकते हैं। एकदम गर्मा गर्म रेडियो पे आ चुका है, चीज वगैरह देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। और क्राउड देखिए पिज्जा खाने के लिए दिखाई क्राउड कितना ज्यादा है। और आइए हम थोड़ा साइड में चलते हैं क्योंकि आप लोग को रिव्यू भी करना है तो अच्छे से करेंगे। बाकी भैया लोग भी कर रहे हैं कुल्हड़ पिज्जा के लिए और उनसे भी रिव्यू ले लेंगे। आके आइए ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो कुल्हड़ पिज्जा को टेस्ट करते हैं और टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है। बाकी चीज़ वगैरह देखिए काफ़ी तगड़े में डाला गया। और ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ओवन में पक चुका है। और आइए इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। एकदम गर्मा गर्म है, वाह क्या अमेजिंग टेस्ट है भाई। मैंने कुल्हड़ पिज्जा कई जगह खाया है पर इससे ज़्यादा टेस्टी मैंने कहीं नहीं खाया है। ये टेस्टी है इसीलिए इतना ज़्यादा क्राउड है। एक बार फिर से दिखाइए आप लोग अगर देवरिया आते हैं तो कुल्हड़ पिज्जा खाने जरूर आइए। क्राउड आप लोग देख सकते हैं कि क्राउड कितना ज़्यादा है क्योंकि भाई एकदम टेस्ट की 100% गारंटी मैं लेता हूँ, आपको पसंद आएगा ही आएगा, इतना टेस्टी है। और इसका प्राइस जो है 100 रुपीज़ है, बाकी जो है इससे कम प्राइस वाला भी अपडेट होने वाला है इनके पास। बाकी यहाँ पे आपको पनीर रोल वगैरह भी मिल जाएगा। और इसका टेस्ट भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। ये देखिए अभी तक ये कंसेप्ट अपने देवरिया में नहीं आया था, फर्स्ट टाइम अपने देवरिया में आया है। तो फाइनली दोस्तों हमने जो है कुल्हड़ पिज्जा ट्राई किया जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एकदम यहाँ पे आके उसका टेस्ट लगा है। और क्राउड देख सकते थे आप लोग कितना ज़्यादा है और बहुत सारे लोग जो है रोज़ आ रहे हैं खाने के लिए कुल्हड़ पिज्जा। बाकी हमारे साथ भैया हैं जो कि आप लोगों को कुछ डिटेल देना चाहते हैं। भैया बताइए, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है राम, हमारा दुकान का नाम है मूड वाला फूड। और मूड वाला फूड का आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मूड वाला फूड के नाम से ही है, मूड वाला फूड देवरिया। जी आप लोग सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, वहाँ पे जाइए आप लोग टैग वगैरह कीजिए अगर पिज्जा खाने आइए तो फोटो लेके। बाकी कुछ ऑफर्स के बारे में भैया बताने वाले हैं। अच्छा जनरली कोई भी आएंगे तो जो हमारा प्राइस है वही लगना है और इस वीडियो को देख करके जो आएंगे इस वीडियो के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ओ भाई साहब वो इस प्रकार की आने के बाद यहाँ पर हमारे सामने, नहीं तो पहले से करके आएंगे स्क्रीनशॉट दिखाने से, वीडियो को शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और हमारा मूड वाला फूड देवरिया गूगल में जा करके उसमें रेटिंग और रिव्यू करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप लोग ये वीडियो के माध्यम से आते हैं तो बताते हैं भैया को, सब्सक्राइब वगैरह दिखाते हैं, लाइक वगैरह दिखाते हैं, कमेंट वगैरह, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी भैया को मूड वाला फूड सर्च करके यूट्यूब पे रेटिंग देते हैं तो आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू भैया इतना टेस्टी बनाने के लिए। बाकी क्राउड तो आप लोगों ने देख ही लिया कितना ज़्यादा है, एकदम ऑर्डर फिर से चला गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।